कॉपीराइट चेक के बारे में हम बात करेंगे, पर पहले आप एक काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और लाइक को वीडियो कर देना, दो में से एक चीज करोगे तो चलेगा। ठीक है, वीडियो को आखिर तक नहीं देखा ना, बता रहा हूँ, भगवान को सब पता है, यूट्यूब के भगवान को। भगवान को क्रोध में मत लाना, देख लेना पूरा वीडियो। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, सॉरी कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में मैं पिछली बार बता रहा था, तो इस बार भी वही बताऊंगा। ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी चीज है? ठीक है, मैं स्क्रीन जोड़ी भी मैंने। ठीक है, देखो मैंने पिछली बार बता दिया था, अभी किसी को स्ट्राइक मिले भी है यहाँ पे, ये बात भी पिछली बार हो चुकी है। जो बात नहीं हुई वो बात कर लेते हैं, ओके भाई, वो बात कर लेते हैं। उस बात को करने से कोई रोक तो सकता नहीं अपने को, है ना? हम तो वो बात करते हैं जिस बात की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जिस बात की आवश्यकता है वो बात ध्यान से सुनो यहाँ पे। ठीक है, हम नीचे विवरण दे देंगे वो लोग कि भाई आपको किसने, आपने क्या उठाया किसी का। ठीक है, सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको स्ट्राइक आई तो क्यों आई। ठीक है, क्यों आई, आने का भी बताते हैं भाई, आई क्यों, ये चीज ऐसी चीज क्यों आई। पहली बार आपको मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे जाना है, ये चीजें तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लाल में जो लिखा है ना, वो लिखा है कि डरने वाली बात नहीं, लाल में लिखा है आपकी जो चैनल पे जो स्ट्राइक आई वो कब हटेगी। ठीक है, उससे पहले अगर आपको लगता है कि यार आप सही हो और यूट्यूब वाले गलत हैं और आपको फेक स्ट्राइक मिली है चैनल पे, तो आप अपील कर सकते हो। ठीक है, अब अपील करने का भी, अपील मतलब आप एक आवाज उठा सकते हो, अपील में कोई नुकसान नहीं है। अपील यानी आप एक काउंटर कर सकते हो, उसको काउंटर कॉपीराइट स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, काउंटर में क्या होता है, काउंटर में वो होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट, एक चीज और दिखा देता हूँ, ये आपको मेल भी आती है। मैंने अभी आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर का दिखाया कि अगर आपकी यूट्यूब स्टूडियो में अगर ऐसा कुछ होता है, मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, मेल में भी क्या जा रहा है, मेल दिखा देते हैं। ठीक है, तो लो भाई मैंने मेल जोड़ी हुई है। ठीक है, ये मेल है, ये यूट्यूब से आई है। अब वो बता रहे हैं कि हमें, बता रहे हैं कि हमें कॉपीराइट जो है रिक्वेस्ट चाहिए कि आपने कुछ किया हुआ अपने चैनल पे कांड। ठीक है, कांड नहीं, कुछ गलत चीजें करी हुई हैं। और वो बता रहे हैं कि यार आपके इस वीडियो पे था, वीडियो का टाइटल उन्होंने दे दिया है। ठीक है, वीडियो का यूआरएल भी देते हैं लोग, वो भी बता दिया है। ठीक है, कि भाई क्या चीज आपने उठाई, किस चीज पे आपको आई है, सारी जानकारी देते हैं, चाहे आप यूट्यूब स्टूडियो खोल लो, चाहे आप अपनी मेल खोल लो, सारी चीजें बराबरी से देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई रिमूवल रिक्वेस्ट। ठीक है, मतलब कि किसने आपको दी स्ट्राइक, यूट्यूब ने नहीं दी, क्योंकि यूट्यूब ने दी होती यहाँ पे यूट्यूब का नाम होता, पर यूट्यूब ने नहीं दी। ना ना ना, यहीं पे गलती मत खाओ, ये आपको स्ट्राइक पता है किसने दी, बता देते हैं किसने दी, ये आपको स्ट्राइक उन्होंने दी है। क्या नाम है उनका यार, लिखा हुआ ना ऊपर, ऊपर अच्छे से लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम ने दी आपको, इंस्टाग्राम ने दी, इंस्टाग्राम कंपनी है, कंपनी से पंगे तो नहीं ले नहीं सकते है ना, कंपनी के आगे तो कुछ नहीं कर सकते है। ठीक है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी के आगे अगर आपने बीन वगैरह बजाई तो कंपनी आपका पूरा बाजा बजा देगी। ठीक है, आपको ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी, 90 दिन तक मतलब दुख का जो घूंट है उसको पी लेना है मन के अंदर, ऐसा सोचना नहीं कि क्यों कैसे ऐसे वैसे, कुछ सोचना नहीं है इसमें, उतना ही सोचना है जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जितना मैं सिखा भी रहा हूँ, मतलब दोनों चीजें, बता भी रहा हूँ सिखा भी रहा हूँ, घबराने का नहीं, मैं हूँ यहाँ पे अभी, अभी जिंदा हूँ मैं, जिंदा। ओके, चलो यार, अपन ने स्क्रीन जोड़ी हुई थी, हाँ उसने नीचे लिखी हुई है, सब सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, कुछ किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको क्यों दी जा रही चीज, किस लिए दी जा रही है ना। यहाँ पे ये तक लिखा है कि जो है आपको, और उसने लिखा भी हुआ कि मान लो था 2-3 मिलेंगे स्ट्राइक, तो उन्होंने भी लिखा है कि उड़ जाएगा अकाउंट, मतलब जो चैनल है, यार 3 नहीं लिखा उन्होंने, आखिर में लिखा है कि अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई आपके चैनल पे तो बहुत बड़े, बहुत भारी परिणाम होगा, आपका चैनल उड़ जाएगा। ठीक है, चैनल उड़ जाएगा, 90 दिन तक इंतजार कर लो, वो सही रहेगा, पर 90 दिन तक इंतजार कर लो। पर यहाँ पे मेरे को एक बात याद आती है,
अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा हो, वो पिछला वीडियो जहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं पे बात बताई भी है कि अगर आपको ध्यान से सुनना बात, कि अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, ठीक है, एक बार भी आ गई तो, और अगर आपकी एक्सपायर हो भी गई, 90 दिन तक आपने इंतजार करा रो रो के दुख में, समझ सकते हैं क्या हुआ है, और आपके 90 दिन बाद वो काम हो गया, ठीक है, आपकी जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक कह रहे हैं आपका जो चैनल है उस पे से आपको लगेगा कि आपकी कॉपीराइट स्ट्राइक तो चली गई, पर ऐसा नहीं होता भाई। कॉपीराइट स्ट्राइक एक ऐसी चीज है जो एक बार आपके चैनल पे आ गई तो बस गई हमेशा के लिए, वो इतनी आसानी से जाने वाली चीज नहीं है, वो रहती रहती है चैनल पे आपके, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप जितने भी जाप कर लो, हनुमान चालीसा के पाठ पढ़ लो, वो स्ट्राइक, चाहे मंदिर में चाहे प्रार्थना कर लो, वो एक ऐसी चीज है, वो जाएगी नहीं, वो बिल्कुल भी, वहीं पे रहना उसको, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा पर आपके चैनल पे हमेशा रहती है चीज, चाहे आप अपने चैनल पे, चाहे आप जैसा भी सेटिंग कर लो, जो भी बदलाव कर लो, वो चीज यूट्यूब के पास तो है ना, डेटा में, डेटा में उनके पास एक एक बारीक से बारीक जानकारी रहती है आपके चैनल के बारे में, आप क्या क्या गतिविधियां कर रहे हो, सब कुछ रहता है उनके पास, तैयार रहता है, जब आप ये करने वाले हो, आप ये करने वाले, सब कुछ रहता है, तब मैं सब कुछ ही आ गया, ध्यान रखना इन चीजों का, मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये एक मेल आती है, मैंने मेल का आपको बता दिया, मेल का आपको बता दिया, ठीक है, और वो भी बता दिया कि वाइटी स्टूडियो में भी आता है, और दूसरी जगह अभी मैंने मेल का भी दिखा दिया, अगर आपको वाइटी स्टूडियो में आया है तो आपको मेल पे भी आया होगा, और अगर आपको मेल पे ये चीज आई है वाइटी स्टूडियो में ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है, चाहे आपका चैनल बहुत अच्छा है, चाहे आपकी सारी मेहनत खुद की है, फिर भी ये चीजें आती है, ठीक है, इनसे बचने का एक तरीका था तो मैंने सोचा बता दूं, पर मैंने कहा अगले वीडियो में, नेक्स्ट टाइम बताएंगे और क्या है ना, अभी बता दिया तो मजा नहीं आएगा अगले वीडियो में बनाने का, तो अगले वीडियो तक थोड़ा आराम करो भाई, ठीक है, उड़ना नहीं है, आराम से करना, हौले हौले, गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी किसी पे, यार आपकी वजह से आई, ठीक है, अपनी गलती को मानो, स्वीकार करो, जी हाँ हमने गलती करी, हमारी गलती वजह से स्ट्राइक आई है, जब तक इंसान अपने अंदर नहीं देखेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो दूसरों में ही गलतियां ढूंढता रहेगा, तो अच्छा इंसान वह जो अपने अंदर झांक के अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तो मेरे को माफ करो, मैंने पता नहीं, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक का बताते बताते पता नहीं कहाँ चला गया था, खैर ये बात ध्यान में रखना, दिमाग में रखना बातों को, काम की बातें हैं सारी, ठीक है, एकदम टकाटक एकदम सारी बातें काम की हैं, और काम की बातें हैं, और अब हम मिलेंगे मिलेंगे और तीसरी बार भी बोल देता हूँ, नहीं बोलूंगा तीसरी बार, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके, अभी के लिए ये और अगले वीडियो के लिए ये, दोनों तरफ से बोलती है, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय, नहीं बाय और हाय।